नमस्कार, आज है 3 फरवरी सोमवार। आज के पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में हम बात करने वाले हैं और बजट के अगले दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, सो कहानी होगी अब इतनी कीमत। जी हाँ, आपको बता देंगे एक बार फिर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो चुका है। रविवार को तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 9 पैसे की कमी आई है, बड़ी खबर। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आखिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिर बदलाव रात को होता है या सुबह होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। जी हाँ, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसके अगले ही दिन आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। रविवार को लगातार चौथे दिन तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। यानी आज ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए शनिवार के मुकाबले कम कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि कई महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस पेट्रोल और डीजल के पीछे कौन कौन कमाता है पैसा, कीमत तय करने कौन करता है, कीमत तय करना है कि कितनी कीमत होनी चाहिए, तो विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और इन्हीं के मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। पेट्रोल में कितना हिस्सा टैक्स का होता है, आपको बता दें कि खुदरा बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के लिए जितनी रकम का आप भुगतान करते हैं उसमें आप 55.5% पेट्रोल के लिए और 47.3% डीजल के लिए आप टैक्स चुका रहे होते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। प्रतिदिन आपको बता दें कि 6 बजे बदलती है कीमत। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक आप बने रहो 10 उगम के साथ।